बार फिर जहरीली शराब का कहर लौट आया है। आरोप है कि सीवान में जहरीली शराब पीने से 6 लोगों की मौत हो गई। अब भी 5 लोग जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं। वहीं गोपालगंज में एक बुजुर्ग को शराब पीना महंगा पड़ा है। बुजुर्ग की आंखों की रोशनी चली गई और अभी गोरखपुर में इलाज चल रहा है। दूसरी तरफ ताबड़तोड़ कार्रवाई चल रही है और अभी तक 16 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। एक बार फिर जहरीली शराब का कहर। सीवान में 6 लोगों की मौत। गोपालगंज में एक की आंख की रोशनी गई। बिहार में एक बार फिर जहरीली शराब का कहर लौट आया है। सीवान में जहरीली शराब पीने से अब तक 6 लोगों की मौत हो गई है। परिजनों का आरोप है कि शराब पीने से यह मौत हुई है। रविवार को सीवान में जहरीली शराब पीने से 4 लोगों की मौत हुई। 7 लोगों को सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। सोमवार सुबह 2 लोगों को पटना रेफर कर दिया गया, लेकिन रास्ते में ही दोनों ने दम तोड़ दिया। अभी भी 5 लोगों का सिवान सदर अस्पताल में इलाज। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। आज चल रहा है पूरा मामला लकड़ी नवीगंज के भोपतपुर का है। दूसरी तरफ अभी तक पुलिस ने 16 लोगों को गिरफ्तार किया है। सिवान के लकड़ी नवीगंज में अगर आधिकारिक पुष्टि की बात करें तो अभी तक 3 लोगों की मौत हुई है। वहीं 7 लोगों का सिवान के सदर अस्पताल में इलाज चल रहा है। लेकिन अगर बात करें तो अभी मौत का आंकड़ा 5 बताया जा रहा है। जो एक शव है उसको जला दिया गया है, जो कि कल शाम को ही उस शव को जला दिया गया था। लेकिन वहीं एक शव को सिवान के सदर अस्पताल में भी लाया गया है और इस वक्त हम मौजूद है सिवान सदर अस्पताल के इस वार्ड में, जहाँ पर इन मरीजों का इलाज चल रहा है। भोपतपुर पंचायत के बाला गांव में जहरीली शराब के कहर के बाद से मातमी सन्नाटा पसरा है। मृतकों में बाला गांव के जनक देव बिन, राजेश प्रसाद, धुरेंद्र माझी, जितेंद्र माझी और पडौली गांव के लक्ष्मण देव राम शामिल हैं। गांव में कैसे शराब मिल गया, कहां से मिल गया था इनको? गांव में जो स्ट्रीट है ना, हाँ, वही स्ट्रीट बिक रहा था कोई आदमी गांव का, हाँ, उसी के पास से। इधर गोपालगंज के बैकुंठपुर में जहरीली शराब पीने से एक बुजुर्ग की आंख की रोशनी चली गई। साफियाबाद गांव में 55 साल के बुजुर्ग ने हरदिया मोड़ के पास से जहरीली शराब खरीदी थी और शराब पीते ही तबीयत बिगड़ गई। गोपालगंज सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। डॉक्टर्स ने बुजुर्ग को गोरखपुर के लिए रेफर कर दिया है। कहाँ पे ये थे? हरदिया मोड़ पर। केकरा लगे है? नाम बताए। अभी आपसे दिखाई दे रहा है आपको? ना। केकरा लगे पहले बनी? धुरंधर। धुरंधर माझी। और इस क्यों साथ पीला सा? हाँ वो तो ओकर तो नाम नहीं जाना था। छपरा में अभी हाल ही में 70 से ज्यादा लोगों की जहरीली शराब से मौत हुई थी। अब सिवान और गोपालगंज में जहर ने फिर से कहर बरपा दिया है। बीजेपी इसको लेकर नीतीश कुमार को घेर रही है। पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद ने दलील दी है कि सरकार शराबबंदी कानून को बेहतर ढंग से लागू नहीं करना चाहती। वहीं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने कहा कि सीएम नीतीश कुमार के अहंकार के चलते ये मौतें हो रही हैं। सरकार इस कानून को बेहतर ढंग से लागू करना नहीं चाहती है, क्योंकि जो अधिकारी इसे लागू कर जिन अधिकारियों को इसे लागू करना है उनकी संलिप्तता कहीं ना कहीं जहरीली शराब के निर्माताओं के साथ है। माननीय मुख्यमंत्री जी अपने अहंकार को छोड़िए, जो अनाथ हुआ, जो विधवा हुआ, उसका क्या दोष है? आपके भ्रष्ट प्रशासन, गृह विभाग आपके जिम्मे है और आपके भ्रष्ट प्रशासन के कारण ये नरसंहार हो रहा है। बिहार में इस नरसंहार के आप जिम्मेवार हैं। सिवान में अभी भी 5 लोग जिंदगी और मौत से जूझ रहे हैं। बार बार जहरीली शराब से घर उजड़ रहे हैं। बार बार शराबबंदी का दावा ढकोसला साबित हो रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। ये जनाब फूल की खेती करके 1 एकड़ में 1 साल के 30 लाख तक कमा रहे हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।